नमस्कार, माय विजन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे जो है सेट बी का ही हिंदी। हमारे पास चूंकि सेट बी है तो सेट बी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास जो भी सेट है आप उसके क्वेश्चन और यहाँ पे लिखे गए ऑप्शन को जो है मिला लीजिएगा। ऑप्शन से आप जो आसानी से टिक कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 31 है वो है कि घोंसले में चिड़िया है। ठीक है, अब घोंसले में चिड़िया है इसमें कौन सा कारक है? तो आप विकल्प के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर होगा अपादान कारक। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है मैं पूरा जो है यहाँ पे गद्यांश पढ़ के सुना देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र से सीमित हो चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, आगे जो लाइन है उसको देखिएगा कि आत्मा से उनका संबंध विच्छेदन होकर केवल बाह्य संसार तक उसका प्रसार रह गया है। ठीक है, मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा की शुद्धता करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। और फिर लिखा हुआ है कि ऐसे करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा गद्यांश है और इस गद्यांश से संबंधित यहाँ पे जो चार प्रश्न, जो तीन प्रश्न है उसके बाद जो दो प्रश्न यहाँ पे संबंधित दिए गए हैं, दो प्रश्न, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वादे सीमित हैं। तो आप ऊपर से जब तीसरी लाइन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है, जिसका आंसर होगा राजनीतिक क्षेत्र तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इसका आंसर होगा अंतिम लाइन, जब आप इधर आएंगे नीचे पढ़ते हुए तो आप पाएंगे कि ऊपर से छठी या सातवीं लाइन में कि ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को ही बताया गया है कि यह गांधीवाद के आधार के बारे में इसको बताया गया है। अब अगला देखिए, 34 प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कनुप्रिया। अब कनुप्रिया की जो है रचनाकार कौन है? अब कनुप्रिया का रचनाकार यहाँ पे इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रलुप्त स्वर कौन सा है? प्रलुप्त स्वर कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? यहाँ पे ऑप्शन में जो है एक ही शब्द है जिसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, प्रोनाउंसिएट करेंगे लगभग लगभग सेम होगा, तो इसका जो आंसर है वो है ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम आम खाता है, इसमें वाच्य कौन सा रूप है? ठीक है, वाच्य का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे चूंकि राम आम खा रहा है तो इसका आंसर क्या है? कर्तव्यवाच्य। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है पूरा का पूरा जो एक दोहा लिखा हुआ है कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इस दोहे में कौन सा अलंकार है? बहुत ही आसान है, यदि आप लगातार पढ़ते आए होंगे तो ये एकेडमिक से हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका आंसर है इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पे अंगना शब्द क्या है? ये शुद्ध है, बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो प्रॉपर नहीं है। अगला देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द का सही वर्तनीय है? ठीक है ना, अब देखिए शब्द का वर्तनीय सही है इसमें इसका जो आंसर है वो है सन्निधि। ठीक है, क्या है इसका आंसर? सन्निधि। आप देखेंगे यहां पे अलग अलग जो है ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार यह जो है इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो भैया उपचारात्मक शिक्षण की जो निर्भरता है वो निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा एक जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है गद्यांश दिया गया है कि वरदंत की पंक्ति। ठीक है, आगे हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो 41 क्वेश्चन है सेट बी का इसको देखिएगा, पूछा जा रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो पद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पद्यांश में सिंगार रस निहित है। ठीक है, आप पूरा का पूरा जब पद्यांश एक बार देखिएगा तो आप देखेंगे कि चपला चमके घन बीच जगह। ठीक है, आगे मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त पद्यांश किस कवि का है? तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा जो पद्य है वो असल में तुलसीदास का है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदंत्य ये क्या है, यही उच्चारण की दृष्टि से सबसे सही है, ठीक है। बाकी सारे जो हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अब देखिए, गलत ढूंढने की हमारी आदत शुरू से रहती है, तो अशुद्ध हम ढूंढ लेंगे। यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वचन कर्ता पुलिंग, ये तो सही है भाई, लड़का एक वचन है, कर्ता वही है, ठीक है, पुलिंग है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुवचन यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि यही क्या है, इस दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46, वह है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप देखेंगे खेत, यहाँ पे खेत, खेत क्या है, ये जो है इसका जो है क्या है, ये कह सकते हैं इसको तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देशज है, देशज मतलब हमारे जो है यहाँ की भाषा का शब्द। तो आप देखेंगे धड़ाम, यहाँ पे पतलून है, लास है, औरत है, तो ये हमारे देश का शब्द नहीं है। इसमें से एक फारसी है, एक जो है ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी है, ठीक है। और अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छछुंदर के सर पे चमेली का तेल का अर्थ क्या है। तो भाई सामान्य सी बात है कि छछुंदर के सर पे चमेली का तेल, इसका अर्थ होगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना जिसकी वो कद्र न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। बहुत आसान है, ऋग्वेद आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे वहां पे आपको बड़ी आसानी से शब्द मिल जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋग्धन वेद, ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो बनेगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि आप बीती शब्द में समास है। तो भैया आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास होगा, आप समास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ी आसानी से पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है वो है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए प्रयोजन हेतु हो सकता है इसका समानार्थी शब्द, प्रयोजन लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आप देखिए उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन नियोजन नहीं हो सकता, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर उद्देश्य न होके इसका आंसर यहाँ पे होगा नियोजन, ठीक है, उद्देश्य इसका आंसर जो है नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका अर्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है एरर हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो लिखा हुआ है वो है कि ऋजु का विलोम क्या है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र, ठीक है, ऋजु का विलोम होता है वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का विश्लेषण का या किस विकल्प में विश्लेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि ढाई अपूर्ण बोधक, ढाई अपूर्ण बोधक इसका आंसर है, जो क्या है विकल्प का विश्लेषण का जो है विकल्प में विश्लेषण का निर्देश नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है जो हमारे पास है वो है कि आप भला तो जग भला, ठीक है, वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो भैया यहाँ पे सर्वनाम के निजवाचक जो है, निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की बात कही जा रही है। अगला देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप देखेंगे कड़ी, चील और सरसों, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे संतान क्या है, संतान पुल्लिंग को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशन वर्ष में दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो आप देखेंगे सही अनुक्रम यह है कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का प्रकाश के वर्ष के दौरान क्या है, सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने का, तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नगरी प्रचारणी सभा 1893 और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास
के रचनाकार हैं, ठीक है। तो तुलसीदास के रचनाकार, देखिए आसान प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उनको बड़ी आसानी से मिल गया कि तुलसीदास के जो है रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, तो अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। और अंतिम प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, ये किसका वाक्य है, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये जो है रैदास का है, ठीक है, जो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये हिंदी का जो है सेट है जिसका एनालिसिस कर लिया। अब हम संस्कृत का भी देख लेते हैं कि संस्कृत का जो है पूरा का पूरा आंसर क्या होगा, उसको तत्काल अभी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संस्कृत के, ठीक है, तो संस्कृत के जो प्रश्न हैं उनको आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि गोधूम का अर्थ है, तो गोधूम का अर्थ यहाँ पे जो है वो गेहूं है, ठीक है, तो गोधूम का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, गेहूं होगा। फिर है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो है नमस्ते, नमस्ते क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या होती है 25 या 25, ठीक है। अगला है कि बालिका इस पद में प्रत्यय है, तो बालिका पद में जो प्रत्यय है वो यहां पर दिया गया है डा, ठीक है, क्या है डा, तो हम इसको थोड़ा सा सही कर दें, ये लिखा हुआ है डा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो यहाँ पे एक सेकेंड, ये डाप नहीं, ये टाप है, ठीक है, सही लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा टाप, ठीक है। नेक्स्ट जो आंसर है वो पूछा जा रहा है कि पर्यंत, पर्यंत का उपसर्ग है, तो पर्यंत का उपसर्ग यहाँ पर होगा परी, क्या होगा, पर्यंत का जो उपसर्ग है वो है परी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में सर्वनाम का उदाहरण है, तो पुत्र सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, स्थूल सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, प्रातः भी नहीं है, तो बचा कौन सा, सर्व, सर्व क्या है, ये उदाहरण है किसका, सर्वनाम का। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कुंजर शब्द का अर्थ होगा, तो कुंजर शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर है हाथी, कुंजर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मात्र, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है, तो मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन का जो रूप होता है वो होता है मातया, क्या होता है, मातया। अगला है कि सुबंधु की रचना है, तो सुबंधु की जो रचना है वो है वासवदता, क्या है, वासवदता। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर है, तो हरह जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, हरह ये स्वर नहीं है, ली ये क्या है, ल्र यहाँ पे क्या है, ये इसका आंसर होगा, व्र भी आंसर नहीं होगा और पिक में से कोई नहीं, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है कि समाजे सर्वत्र दुर्जनित्या डैश डैश करके निर्भयो भवंती, ठीक है, तो हम इसमें सीधे आंसर आपको बताते हैं। पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, तो जब आप गद्य पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा गया है कि तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति मध्य आगे जो कुछ भी है, तो उसमें देखेंगे आप कि इसका आंसर जो है वो है कि दुर्जनों की, समाज में दुर्जनों की संख्या क्या है, दो कम है। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर कि उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, तो आपको जानना चाहिए क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, मतलब सज्जन कैसे रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे श्लोक, श्लोक ले जो लिखा हुआ है मैं एक आध लाइनें पढ़ देता हूँ। लिखा है कि महान वृक्षो जयंते वर्धते च तो चवे भूतानि समस्य आगे जो कुछ भी डैश डैश अनेका अनेका अनेकेता भवंती, तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है 73 जो हमारे पास सेट बी है उसमें इस श्लोक का भाव क्या है, तो इस श्लोक का भाव है कि प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित रहते हैं वृक्षों को नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं, इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेट से फोर्थ, ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित रहते हैं और वृक्ष के नष्ट होने पर वो निराश्रित हो जाते हैं, ठीक है।
अगला देखिएगा, उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है। तो उपयुक्त श्लोक में जो भूतानी का तात्पर्य वो है प्राणी से, तो इसका आंसर क्या होगा, प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू धातु का लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो ये होगा भव। भू धातु का जो है, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा क्या यहाँ पे, भव। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मनोरथ, मनोरथ में संधि क्या है, तो भैया मनोरथ में विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला ये है कि नृत्याभ्यम अश्रुई पंक्ति में नृत्याभ्यम पद में विभक्ति है, तो यहाँ पे षष्ठमी विभक्ति है, आप इसको देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति आपको दिखेगी। अश्नी शब्द का जो है, अश्नी शब्द क्या है, तो अश्नी शब्द यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो क्या है अश्नी जो यहाँ पर वर्ड है उसका क्या है, वह पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि तया नप्यो अन्युगम्यते, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि वाच्य क्या है, तो यहाँ पर जो वाच्य है वो है कर्मवाच्य, क्या है कर्मवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि यूप दारू पद में समास है, तो यूप दारू पद में जो समास है वो तत्पुरुष, ठीक है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे जो 81 है वो है कि नदी शब्द रूप में जो है प्रयुक्त वचन है, तो नदी शब्द में जो प्रयुक्त रूप वचन है वो क्या है, वो है बहुवचन, ठीक है। अगला है कि अकारंत पुलिंग लिंग शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो दिया गया है भानुवह नहीं है, तो यहाँ पर रामह क्या है, रामह इसका जो है आंसर है। अगला है कि प्रजेते जो है, प्रजेते में संधि है, तो इसमें जो संधि है वो है कौन सी, पर रूप संधि, कौन सी संधि है, पर रूप संधि। व वर्ण का नेक्स्ट प्रश्न है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो व जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिह्वा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है वे बोलने में, ठीक है, तो व बोलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, दंतोष्ट, ठीक है, ये ऊपर की तरफ दांत से लड़का नीचे आ रही है। अगला देखिए, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द, भैया घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द कौन सा है, वो है जानू, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहां पे है कि संस्कृत के एकोन चत्वारिशतम, ठीक है, इसमें इसको कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं, 39 या फिर 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो वो क्या है, द्वे, ठीक है, क्या है, द्वे। अगला है कि ददंती रूप है, ददंती रूप क्या है, ददंती रूप लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। और अगला क्वेश्चन है जो सेकंड लास्ट आपका है वो है कि गुरुपदेश शब्द का, या गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग है, तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है परा कुत्र, ठीक है, यदा और यत्र, तो इसका आंसर होगा परा। तो यहाँ पे देखिएगा कि उपसर्ग इसमें कौन सा है, इसमें है परा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हिंदी और संस्कृत दोनों को आप अपना मिला लीजिएगा, आपके जितने भी जो है आंसर हैं, जितने आपके सही हैं वो आप हमको कमेंट में बताइएगा, जिसमें आपको डाउट लग रहा है वो हमसे शेयर करिएगा, आपके डाउट को जो है हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।